यार मजा आ गया ना उसके बर्थडे पे ना। हाँ यार केक बढ़िया था वैसे, मैंने तो दो बार खाया। अच्छा और मौज होगी तेरी तो। और अरे यार मैं अपना पर्स तो वहीं भूल गया। चले काम कर, मेरी बाइक की चाबी ले, बाइक पे बैठ, मैं भी आया एक मिनट में। ठीक है ठीक है, जल्दी आइयो। ठीक है अरे ये तो शिवम की बाइक है ना, बट ये गरीब इस पे क्यों बैठा है? अभी बताती हूँ मैं इसको। अबे ओ तेरी बाप की बाइक है जो सुरॉब जमा के बैठा है, एक बार बैठने से पहले अपनी शक्ल तो देख लेता। और कितनी बार बोलूं अपनी घटिया से शक्ल लेके मेरे सामने मत आया कर, बार बार बोल बोल के परेशान हो गई हूँ मैं। और हाँ जब से तूने शिवम को क्लब में और ड्रिंक करने से रोका ना, दिल तो कर तेरी जान ले लूं मैं। मैं कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं तो कुछ भी बोले जाएगी। लगता तो अपनी औकात भूल रहा है, तुझे तेरी औकात याद दिलानी पड़ेगी। तेरा दिमाग खराब है क्या, या मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा? जब से देखे जा रहा हूँ सुनाया जा रही है इसको। देखिए यार शिवम, मैं इस पे बैठा हुआ तो कह रही थी तेरी औकात नहीं है। तू समझती क्या अपने आप को? और वैसे भी मेरी बाइक है ना कि तेरी, मैं कुछ भी करूँ इसके साथ। और बात है राहुल की, तो मैं नहीं गई थी इसको बाइक पे बैठने के लिए, तू कौन होती है बोलने वाली? वाह मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? इस भिखारी के चक्कर में तो मुझसे लड़ाई करोगे? मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। अरे मेरी बात तो सुने। अरे यार तू क्यों लड़ता है यार उससे मेरे चक्कर में? पर यार वो हमेशा ही ऐसा क्यों करती है? कोई बात नहीं यार, जा जाके मना ले उसे, वरना फिर रोता रहेगा तू। अरे मानसी मेरी बात तो सुन ले यार। नहीं करनी मुझे बात। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाया था, चल तुझे तो खानी नहीं होगी, फिर मैं ही खा लेता हूँ। यार इतनी मोटी कैसे हो रही है? यार मुझे भी बता दे, मैं भी मोटा हो जाऊंगा। क्या खाती है तू? मैं तुझे मोटी दिखती हूँ। एक मिनट रुक। हेलो हाँ राहुल, हाँ चल आ रहा हूँ मैं, बस दो मिनट में आया। चल यार मैं जा रहा हूँ। ठीक है यार थोड़ी देर तो और रुक जाते। अरे यार नहीं गया तो राहुल बुरा मान जाएगा, समझा करना। चल ठीक है मैं जाता हूँ। मानसी तू मेरे ऑफिस के बाहर क्या कर रही है? यार अब आपको क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ शिवम और उसके दोस्त से। उसका जो दोस्त है ना एक नंबर का आवारा है, और पता है उसके इतने पैसे खर्च करवाता है, उसको क्लब में लेके जाता है, ड्रिंक करवाता है, और उसको वो कॉलेज भी बंक करवाता है, उसको वो फेल करा के मानेगा पूरा। अगर तेरी बात सच है मानसी तो मैं इन दोनों की दोस्ती तुड़वा के रहूंगा। अच्छा एक बात बता, ये दोनों अभी कहाँ पे मिलेंगे? अभी तो मुझे पता नहीं, पर शिवम बता दे कि वो कल पीवीआर में मिलेंगे। चल ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कल तुम्हें साथ चलना, ठीक है? हाँ। अभी चलता हूँ, अपना ख्याल रख। ठीक है भैया। शिवम कौन है यार लड़का जिसके साथ तू घूमता रहता है? अरे भैया यही तो है मेरा दोस्त राहुल, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था। राहुल ये है मेरे भैया। हेलो भैया। अरे ओ हेलो के बच्चे, मेरी बात सुन, आज के बाद ना मेरे भाई के आसपास ही मत भटक जाइयो। अगर तुम मेरे भाई के आसपास भटका ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझ गया? अरे भैया ये आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो मेरे दोस्त से? शिवम तो भी बच्चा है, देखो सही और गलत की समझ नहीं है, ये एक आवारा लड़का है, ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसका खुद का तो कोई फ्यूचर है नहीं, ये अपने साथ साथ तेरा फ्यूचर भी बर्बाद कर देगा। चल मेरे साथ घर। लेकिन भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे सुनाए जा रहे हो? अरे ओ तुझसे बात नहीं करा ना, तू चुप रह। चल शिवम। लेकिन भैया मेरी बात तो सुन। चल बोला ना।
यार मैं अपने भैया की तरफ से तेरे को सॉरी बोलता हूँ यार, माफ़ कर दे यार। वो भैया ने बिना किसी रीज़न जाने तेरे को इतना उल्टा सीधा सुना दिया। अरे तो क्या हो गया यार, वो हमारे बड़े भैया हैं, उनका हक है बोलने का। वैसे भी उन्हें कोई गलत फहमी होगी होगी। तो तुझे बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी? बुरा किस बात का यार, वो बड़े भैया, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका क्या बुरा लगना। यार अच्छा ही हुआ तुमने उससे दोस्ती तोड़ दी, वो तुम्हारी दोस्ती के ना लायक ही नहीं था। तुझे क्या लगता है मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी? वो मेरा दोस्त था, है और रहेगा, समझ में आ गई बात? वो देख वो आ रहा मेरा यार। आ गया गरीब, पता कौन से मनहूस घड़ी में तुम्हारी जिंदगी में आया था ये। तुम ही रहो इसके साथ, मैं तो जा रही हूँ। और बता क्या हाल है तेरे? सही है। क्या हो गया, उदास क्यों है तू इतना? कुछ नहीं यार, मैं यूं सोच रहा था ना, मैं तुम दोनों की लाइफ से कहीं दूर चले जाऊं। क्या यार तू बच्चा वाली बातें करता रहता है, उसकी तो आदत है यार ये सब बोलने की। तू टेंशन मत ले ना उसका, अपने आप मना लूंगा। ले उसी का ही फोन आ गया। हेलो क्या हो गया? अच्छा चल आता हूँ मैं, रुक। चल यार मैं अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट में यही रहिए तू। अब वो कुत्ते ते समझ में नहीं आती क्या बात? तुझे 100 बार बोला कि उससे दूर रहकर क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है तू? यार बख्श दे हमें, बख्श दे उसको, उसकी लाइफ बर्बाद मत कर। हम दोनों की लाइफ से निकल जा, हमेशा तेरे चक्कर में हमारी लड़ाई होती है। बर्बाद तो तूने कर रखी है उसकी लाइफ। अबे यार पहले खुद ही फोन करो, और पता नहीं कहां से लेगी। तू इतना बदतमीज है, तू शिवम के भाई को धमकी दे रहा पिटवाने की। तू तो उसको अपना दोस्त बोलते है, वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है, और तुझे ये भी नहीं पता कि बड़े भाई के साथ कैसे बिहेव करते हैं। क्या बकवास करने जा रही है तू जब से? क्या इसने भैया को पिटवाने की धमकी दी है? हाँ ये सच है यार, ये बहुत झूठ बोल रही है। भैया क्या ये सब सच है? हाँ बोल तो सच रही है, पर तुझे क्या, तेरे लिए तो ये जरूरी है। भाई तेरा भाई भी झूठ बोल रहा है। बस एक शब्द और नहीं, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा दियो। आज तेरी वजह से मुझे दोस्ती पर से भरोसा उठ गया। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मेरे बड़े भाई के साथ ऐसा करने की भी सोचेगा। शर्म आती है तुझे अपना दोस्त कहते हुए भी, इससे पहले कि यहाँ कुछ गलत हो। चला जा मेरी नजरों के आगे से। चलो भैया। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। शिवम तू एक काम करियो, राहुल को चर्च रोड पे बुला लियो, मुझे उससे सॉरी बोलना है। नहीं भैया आप मेरे लिए उससे सॉरी नहीं बोलोगे, और वैसे भी ऐसे दोस्त होने से अच्छा तो दुश्मन ही होते हैं। नहीं यार वो बेचारा तो बहुत ही अच्छा लड़का है। क्या मतलब? जब कल मैं ऑफिस जा रहा था तब मैंने ये देखा।
यार बहुत बोर हो रहे हैं, एक काम करते हैं, क्लब चलते हैं। अबे क्लब? हाँ? क्लब जाने के पैसे हमारे पास, सीएम होता तो चल भी लेते, और वैसे भी सीएम को तो राहुल ने रोक रखा है नशे करने से। अरे मैंने ना उनकी दोस्ती तोड़वा दी चलाकी से, अब शिवम हमारे साथ ही रहेगा, क्लब जाएगा, ड्रिंक करेगा और हम खूब मस्ती करेंगे। ये तो सही है यार। यस। क्या भैया, हम कल ही जाएंगे उसके पास और उसे सॉरी बोलेंगे, ठीक है? ठीक है, तू ना रात को उसे कॉल करके बोल दियो कि कल हमें मिलना है। ठीक है भैया। ठीक है। सॉरी यार राहुल, मुझे माफ कर दे, न जाने मैंने तेरे को क्या क्या बोल दिया। माफ कर दे यार, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कुछ। अरे भैया आप तो बड़े हो, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? शिवम फिर तुम इसके साथ घूम रहे हो? अरे ओ कैसी लड़की है तू, मतलब तू हमारी दोस्ती तोड़वाने के लिए इतना नीचे गिर जाएगी? मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कभी ऐसा। खैर तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है, चलो यार चलते हैं। अरे ओए तू कहाँ पीछे पीछे आ रही है हमारे? मैंने सिर्फ अपने भाइयों से कहने के लिए, समझ गई ना कि तेरे से। और वैसे भी प्यार करने वाले वो होते हैं जो परिवार को जोड़ना सिखाए, ना कि तोड़ना, अगर गर्लफ्रेंड इसे ही कहते हैं ना। तो राम राम ऐसी गर्लफ्रेंड को। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसको यार लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना जो आपका फेवरेट पार्ट हो, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल द शिवम को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, साइड में घंटा होगा उसे दबा दो ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो यार, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते जल्दी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू।